नमस्कार, मैं प्रशांत आंग्रे और स्पोर्ट्स एडिशन में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। आईपीएल T20 आज 18वां मैच है, दुबई में खेला जा रहा है, दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में यह मैच खेला जा रहा है। और यह मैच किंग्स इलेवन पंजाब और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच में यह मैच खेला जाएगा, 18वां मैच है। जहां तक किंग्स इलेवन पंजाब की बात है तो हौसले काफी बुलंद है, क्योंकि चार मैचों जीतने के बाद जाहिर बात है कि हौसले बुलंद हो गए ही। लेकिन वहां दूसरी तरफ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की बात की जाए, यानी विराट कोहली एंड टीम की अगर बात की जाए, तो पिछला जो मैच राजस्थान रॉयल्स के साथ में जो खेला गया था, इसमें काफी खराब प्रदर्शन रहा। 70 रन महज सिर्फ बना पाई है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। राजस्थान रॉयल ने काफी आसानी से यह मैच जीत लिया। इस वक्त हमारे साथ में मौजूद है हमारे स्पोर्ट्स के जो वरिष्ठ संवाददाता है परवेज। परवेज जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। परवेज, यहां पर जो डिफेंड कर रहा है ये है आपका रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, यानी कहीं ना कहीं विराट कोहली के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रेशर है कमबैक करना है, क्योंकि जिस मार्जिन से, जो स्कोर बोर्ड पे जो 70 रन के सिर्फ आंकड़े बना पाइए राजा अपना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, लगता है आपको कि एक कमबैक करना बहुत स्ट्रांगली आसान होगा या मुश्किल होगा इनके लिए? देखिए प्रशांत जी, सबसे पहले आपको बताता हूँ कि जो विराट कोहली एक ऐसे खिलाड़ी हैं, एक ऐसे कप्तान हैं जो अपने या उनके इंडिविजुअल परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो नॉन परफॉर्मेंस वो कभी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। आपने उनके पहले भी खेल देखे होंगे, वनडे इंटरनेशनल देखा होगा, हर किसी खेल में वो चाहते हैं कि वो अपना बेस्ट करें। बिल्कुल। लेकिन रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की बात करते हैं तो इसकी जो कप्तानी का जो जिम्मेदारी है वो कोहली पर है। यानी अगर आपकी टीम परफॉर्म नहीं कर रही है तो जरूर इसकी जो जिम्मेदारी बनती है वो विराट कोहली की बनती है। बिल्कुल। और जाहिर सी बात है कि विराट कोहली को जो है जवाब देना है इसको लेकर कि आखिर उनकी टीम का परफॉर्मेंस इतना क्यों गिरा हुआ है। बिल्कुल। अगर आंकड़ों की बात करें तो अब तक जो है कि बेंगलुरु ने चार मैचेस खेले हैं, जिसमें से दो में उन्हें हार मिली है और दो में टीम को जीत मिली है। लेकिन जो बैटिंग लाइनअप विराट कोहली और उनकी टीम की जो बैटिंग लाइनअप का जो एक जो आतंक था वो कहीं ना कहीं खत्म नजर हुआ दिखाई दे रहा है। परवेज, यहां पर अपने तमाम दर्शकों बता दें कि इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है वो ये कि किंग्स इलेवन पंजाब ने टॉस जीत लिया है। जी हां, और टॉस जीतने के बाद में किंग्स इलेवन पंजाब ने बैटिंग को अपनाया है। अब क्या कुछ कहा जाए, यानी कहीं ना कहीं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन रहेंगी, एक बैकफुट पे जरूर रहेंगे कि क्या कुछ स्कोर बोर्ड पे किंग्स इलेवन पंजाब आंकड़े देता है और किस हिसाब से वो डिफेंड करेंगे, क्या कुछ स्ट्रेटेजी होगी? देखिए, अब तक जब किंग्स इलेवन पंजाब की टीम ने टॉस माफ कीजिएगा यहां पर किंग्स इलेवन पंजाब ने टॉस जीतकर बॉलिंग यानी गेंदबाजी करने का फैसला यहां पे किया। माफ कीजिएगा, हमने तमाम दर्शकों को हम माफी मांगते हैं कि यहां पे गेंदबाजी का उन्होंने फैसला किया। अब गेंदबाजी में भी ये होता है कि जो परफॉर्मेंस आपने पहले दी है, यानी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु पिछले मैच में राजस्थान रॉयल्स के साथ में 70 रन महज बना पाती है, यानी कहीं ना कहीं बैटिंग ऑर्डर्स में कहीं ना कहीं थोड़ी सी खामियां यहां पर नजर आ रही है। विराट कोहली को छोड़ के बाकी टीम परफॉर्मेंस की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं एक फेलियर नजर आ रहा है। लेकिन क्या इस मैच में फर्स्ट अगर बैटिंग करती है राजस्थान रॉयल्स, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु माफ कीजिए, तो क्या वो परफॉर्म कर पाएगी? देखिए, आपकी टीम में जो कि नाम बड़े हैं लेकिन दर्शन छोटे हैं अब तक। चार मैचों की जो प्रदर्शन की बात करते हैं, नाम काफी बड़े हैं। विराट कोहली एक मात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने पिछली जो मैच शनिवार को जो राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ मैच खेला गया था, जिसमें जो टीम है मात्र 70 रनों पर ऑल आउट हो गई थी, उसमें भी जो विराट कोहली ने अटैक करते करते जो है कि वो टीम का जो स्कोर है 70 रन तक वो लेकर गए थे। लेकिन टीम में एबी डिविलियर्स हैं, माने जाने खिलाड़ी हैं दक्षिण अफ्रीका के। वहीं पर टीम में जो है कि और भी ऐसे खिलाड़ी हैं, युवराज सिंह जो कि इस सीजन के सबसे महंगे खिलाड़ी, 14 करोड़ में इनकी जो है कि बिक्री की गई थी। लेकिन अब तक युवराज सिंह जिस लेवल का परफॉर्मेंस उन्हें देना चाहिए, अब तक वो शॉट्स या वो नॉक्स हमें अब तक युवराज सिंह की तरफ से देखने को नहीं मिले। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी ओपनिंग पार्टनरशिप बहुत मायने रखती है। पार्थिव पटेल के साथ में अगर योगेश टकवाले अगर ओपनिंग भी करते, क्योंकि पार्थिव ने अब तक का जो एक्सपेक्टेड था ओपनिंग होने के नाते एक परफॉर्मेंस बेहतर ले जाए या 50 या 100 रन के करीब एक कंसिस्टेंटली अपनी बैटिंग परफॉर्मेंस के अंदर अगर थोड़ा सा सुधार करते तो एक अच्छा हेल्दी स्कोर बोर्ड के ऊपर नजर आता। लेकिन यहां पर पार्थिव पटेल हो या योगेश हो या फिर आपने जिस प्रकार से कहा एबी डिविलियर्स है, युवराज सिंह बड़े चेहरे हैं लेकिन परफॉर्मेंस उतना बड़ा नहीं है, वजह क्या है? देखिए, बेहद जरूरी होता है वो कोई भी टीम हो, चाहे वो रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर हो या किंग्स इलेवन पंजाब हो, हर कोई टीम के लिए यही होता है कि अगर आप बल्लेबाजी पहले करते हैं तो जो ओपनिंग जो टीम, जो ओपनिंग जो खिलाड़ी, जो सलामी बल्लेबाज हैं
उनकी तरफ से एक एक ऐसा स्कोर, एक हेल्दी स्कोर वो चाहते हैं कि अगर आपकी टीम के जो सलामी बल्लेबाज है 50 या 60 रन बनाकर अगर पहली विकेट खोते हैं तो जाहिर सी बात है जो जो थर्ड मैन आने वाले हैं या जो मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है उन पर उतना जो है कि दबाव नहीं पड़ता है। लेकिन अगर बात करते हैं बैंगलोर के कारण की कि आखिर क्या ऐसा कारण कि उनके सलामी बल्लेबाज नहीं चल पा रहे, योगेश टकावले की बात करते हैं तो अब तक जो है कि उतना अनुभव उनको T20 का नहीं है, लेकिन योगेश टकावले की जगह जो क्रिस गेल हैं फिलहाल जो वो अनफिट हैं, अब वो मैच नहीं खेल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो कि खासा असर पड़ा है बैंगलोर की टीम पर, जो जो उनका जो एब्सेंस है क्रिस गेल का बैंगलोर की टीम में वो नजर आ रहा है। जी बेशक, मेरे ख्याल से अगर क्रिस गेल की यहां पे अगर आपने बात छेड़ी है तो हमारे तमाम दर्शकों बता दें कि क्रिस गेल वो शख्स है जो IPL में वाकई एक ऐसे धमाकेदार प्लेयर के नाम से जाने जाते हैं, क्योंकि उनकी जो बैटिंग परफॉर्मेंस है सारे एवरेज धरे के धरे रह जाते हैं जब वो बैटिंग पे और अपने लय में रहते हैं खास करके। लेकिन यहाँ पर एक इंसान की कमी खलना, इसका एक रिफ्लेक्शन पूरे के पूरे 11 टीम मेंबरान पे आ रहा है, क्योंकि वो उस कदर क्रिस गेल जैसे परफॉर्मेंस वर्स टू वर्स अगर किसी से एक्सपेक्ट कर सकती है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु तो वो है विराट कोहली या फिर नेक्स्ट युवराज सिंह या AB डिविलियर्स। लेकिन यहाँ पर क्रिस गेल की कमी के वजह से ये सारा का सारा लेआउट हमें नजर आ रहा है। दो चार मैचों में से दो में जीत है, दो में हार है, लेकिन जो पिछली हार है उसकी रिकवरी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी? देखिए, जब शनिवार को जो मैच हुआ था जहां पर राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ बेंगलोर की टीम मात्र 70 रन पर जो ऑलआउट हुई थी, उस मैच के तुरंत बाद विराट कोहली ने कहा था कि ये जो दर्दनाक हार बेंगलोर के सामने जो बेंगलोर को जो सामना करना पड़ा है वो इस दर्दनाक हार को जल्द से जल्द भूलना चाहेंगे ताकि जो आने वाले खेल है, जो आने वाले लीग मैचेस है उसमें बेहतर प्रदर्शन कर सके। बिल्कुल, और जहां तक अगर गेंदबाजी की यहां पे अगर प्रवेश बात की जाए तो किंग्स इलेवन के पास में अच्छे अच्छे गेंदबाज है जो अच्छे बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। माइकल जॉनसन है, एल बालाजी है, संदीप शर्मा है, तिसाना परेरा है, तो एक बेहतर सूझबूझ एक बेहतर कॉम्बिनेशन वाली टीम यहां पे नजर आ रही है किंग्स इलेवन पंजाब। बूस्ट और कॉन्फिडेंस इनका जरूर हाई होगा क्योंकि लगातार चार मैचेस में उन्होंने जीत है। कहीं ना कहीं जो टीम ओनर है प्रीति जिंटा ये भी काफी खुश होगी अपने इस परफॉर्मेंस को लेके, क्योंकि पिछले दो तीन साल की तुलना में किंग्स इलेवन पंजाब ने इस कदर बेहतर परफॉर्मेंस अब तक का नहीं दिया है। तो मेरे ख्याल से जो IPL सीजन 7 है इट इज द बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ किंग्स इलेवन पंजाब। क्या उम्मीद की जा सकती है? देखिए, अब तक जो है कि जो किंग्स इलेवन पंजाब जो टीम है अगर वो टॉस जीते या हारे, अगर वो बल्लेबाजी करे या गेंदबाजी करे, इससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है फिलहाल अब तक, क्योंकि जो टीम है पूरी तरह संतुलित है, पूरी तरह लय में है। गेंदबाज बल्लेबाज जो डिपार्टमेंट अपना अपना जो यूनिट है अपनी अपनी तरह से काम कर रहा है। गेंदबाज विकेट ले रहे हैं। मैक्सवेल की मैं इस पर फोकस करना चाहूंगा, उनके परफॉर्मेंस पर फोकस करना चाहूंगा। मैक्सवेल ने जो कि अब तक चार मैचेस में 294 रन बनाए हैं और जो औसत है उनका 73-73 के औसत से वो खेल रहे हैं। अब तक IPL सीजन 7 में किसी भी खिलाड़ी ने 73 के औसत से रन नहीं बनाए हैं। 294 चार मैच में वाकई में एक काबिल-ए-तारीफ अच्छा स्कोर है। लेकिन लगता है किंग्स इलेवन पंजाब की जहां तक बात की जाए तो इसको सबसे पहले जो लीड कर रहे थे किंग्स इलेवन पंजाब को युवराज सिंह थे, उसके बाद में वीरेंद्र सहवाग ने इसको लीड किया, फिर ऑस्ट्रेलिया के जो कीपर है गिलक्रिस्ट, इन्होंने भी लीड किया किंग्स इलेवन पंजाब को। लेकिन इस बार जॉर्ज बेली जो है ये भी ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी है, लेकिन लगता है कि एक यूथ है, एक नया चेहरा, एक फॉर्म में बेहतर फॉर्म में है और फ्रंट लाइन से जो किंग्स इलेवन को लीड कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इनके कैप्टेंसी में भी कहीं ना कहीं एक वेरिएशन है जो एक टीम एफर्ट एक टीम में देखना चाहिए वो इसमें मिल रहा है। देखिए, एक बहुत जरूरी होता है कि आपका कप्तान किस तरह अपनी टीम के साथ डील करता है। मुझे नहीं लगता कि एडम गिलक्रिस्ट या फिर युवराज सिंह में कोई कमी होगी। जॉर्ज बेली जो है इन्हें भी कुछ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच का अच्छा उतना खास अनुभव नहीं है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ अब तक जो कि करीब 35 एक दिन से मैच खेले हैं, 5 टेस्ट मैच खेले हैं। 2012 में इन्होंने अपना डेब्यू किया था। लेकिन एक जिम्मेदारी दी गई है किंग्स इलेवन पंजाब के मैनेजमेंट की ओर से, जॉर्ज बेली के बल्ले से भी अब तक कुछ खास कमाल देखने को नहीं मिला है।
लेकिन टीम को संभाले हुए हैं, टीम की लय संभाले हुए हैं। जाहिर सी बात है जो ड्रेसिंग रूम में जो माहौल वो बनाकर चल रहे होंगे, हो सकता है कहीं ना कहीं टीम जो है पॉजिटिव मोड पे चल रही है, बिल्कुल उसी का फायदा मैदान में देखने को मिल रहा है प्रशांत जी। बिल्कुल बिल्कुल शायद हो सकता है, लेकिन जिस प्रकार से हालांकि किंग्स इलेवन पंजाब ने टॉस जीता है और पहले गेंदबाजी का फैसला किया है, यानी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु क्या कुछ अपने बोर्ड पे 20 ओवर में क्या कुछ आंकड़े वो स्कोर कर पाता है और उसे चेज करना होगा किंग्स इलेवन पंजाब को। लेकिन एक बेहतर फॉर्म में यहां पे किंग्स इलेवन पंजाब नजर आ रही है। जहां तक रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की बात की जाए तो कहीं ना कहीं एक मोरल डाउन है, लेकिन किस तरह से वो परफॉर्मेंस करेगी, क्या कुछ होगा, हम आपको जरूर इससे अपडेट करवाएंगे। लेकिन फिलहाल यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद जल्द लौट के आते हैं स्पोर्ट्स एडिशन में और जानते हैं क्या कुछ होगा आज के मैच में किंग्स इलेवन पंजाब वर्सेस रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु में, एक छोटे से ब्रेक के बाद। क्या आप परेशान हैं? क्या आपको व्यापार में नहीं मिल रही है सफलता? क्या आपको मन मुताबिक नहीं मिल रही है नौकरी? क्यों आ रही है आपके भाग्य में रुकावट? क्यों आपका नहीं हो रहा है भाग्य उदय? वैवाहिक जीवन में किन ग्रहों की वजह से आती है समस्या? इन समस्याओं का करूंगा समाधान। सवाल आपके जवाब में, आपके अपने कार्यक्रम ग्रह राशि। ग्रह राशि योग शाम 6:30 बजे, सुबह 9:30 बजे लेमन न्यूज पर। जो परसेंटेज ऑफ वोटिंग है ये बंपर माना जाएगा। मरते किसान और सोते किसान। नमस्कार, मैं प्रशांत आंगे और आप तमाम दर्शकों का स्वागत है लेमन फैन टाइम में। लेमन फैन टाइम हर रात 9 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप तमाम दर्शकों का स्वागत है स्पोर्ट्स एडिशन में, जहां पर हम आईपीएल सीजन 7 की यहां पे बात कर रहे हैं। आज 18वां मैच होने जा रहा है किंग्स इलेवन पंजाब वर्सेस रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, जहां पर किंग्स इलेवन पंजाब 4 मैच जीतकर एक बेहतर फॉर्म में नजर आ रही है, लेकिन टॉस जीतकर उसने गेंदबाजी को अपनाया है। लेकिन दूसरी तरफ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, जहां तक बात की जाए परवेज की, 4 मैचेस में वो 150 का आंकड़ा तक नहीं छू पाई है। कहीं ना कहीं क्रिस गेल फैक्टर बहुत सीरियसली वर्कआउट कर रहा है इस टीम के ऊपर। इससे पहले भी हमने, जैसे मैंने आपको बताया कि जो क्रिस गेल का जो फैक्टर है वाकई में बहुत मैटर कर रहा है, क्योंकि जो उसको एक 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 वक्त था, अगर हम पिछले सीजन्स पर अगर नजर डालते हैं, आंकड़ों पर नजर डालते हैं, तो टीम ने करीब 180-190 यहाँ तक कि 200 का भी जो स्कोर उन्होंने पार किया है। लेकिन इस सीजन में अब तक उन्होंने जब जब टॉस जीता है या जब जब वो बल्लेबाजी के लिए आए हैं, 150 रन का भी जो कि आंकड़ा अब तक पार नहीं किया। अगर हम देखते हैं 148 उन्होंने बनाए हैं अब तक का जो उच्चतम स्कोर है कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ, वो मैच भी उन्हें हारना पड़ा था 2 रन से, मात्र 2 रन से। लेकिन यहां पर सबसे की पॉइंट ये है कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु वर्सेस राजस्थान रॉयल, यानी आईपीएल के T20 मैच में ये अब तक का इतिहास रहा है कि किसी टीम ने 70 के आंकड़े पे वो सिमटी है, ऐसा कभी नहीं हुआ। ये सीजन 7 में पहली बार देखने को मिल रहा है। तो क्या वाकई एक परफॉर्मेंस इस लेवल पे खेलना और इस तरह बुरा प्रदर्शन, क्या कुछ दिमाग में चल रहा होगा विजय माल्या के, टीम को लेके खास करके? अगर वो ओनर है तो इट इज एन अलार्म फॉर हिम टू जस्ट वेक अप ऑल हिज बॉयज और विराट कोहली से पूछे, बॉस व्हाट यू आर डूइंग। देखिए, हम बात कर रहे हैं उनके परफॉर्मेंस की, बैटिंग परफॉर्मेंस की, 70 रन। लेकिन प्रशांत जी, एक हम फोकस करेंगे कोलकाता नाइट राइडर्स की बॉलिंग पर कि आखिर उन्होंने किस तरह से 70 रन पर
टीम को समेटा। सुनील नारायण है, पीयूष चावला है, एक ऐसे आतंकी बॉलर आप कह सकते हैं, इस तरह की बॉलिंग वो करते हैं कि जो बल्लेबाज है वाकई में उसे समझने में काफी देर लग जाती है, जब तक कि उसकी गुलछड़िया उड़ के हवा में दिखने लगती है। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर दूसरी बात ये भी आती है परवेज की, या तो फिर आपकी बॉलिंग साइड बेहतर हो या फिर आपकी बैटिंग साइड बेहतर हो, लेकिन कुल मिला के एक इंसान अगर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की इस कदर हालत खराब कर सकता है, तो वाकई ये क्वेश्चन मार्क है आने वाले इस तमाम मैचेस में, क्या वाकई क्रिस गेल ना होने के चलते विराट कोहली के परफॉर्मेंस पे भी असर हो रहा है, युवराज सिंह के परफॉर्मेंस पे भी असर हो रहा है, एवी डिविलियर्स के परफॉर्मेंस पे भी इसका असर हो रहा है, यानी जो की बैट्समैन है, जो एक्सपेक्टेड बैट्समैन है, उससे कुछ मिल ही नहीं पा रहा है। देखिए, काफी सोच समझ कर जो है कि एबी डिविलियर्स और युवराज सिंह को टीम से जोड़ा गया है, लेकिन जो लेवल का परफॉर्मेंस हम चाह रहे हैं या विजय माल्या चाह रहे होंगे वो अब तक नहीं देखने को मिला है। उसका भी एक कारण हो सकता है, मैं आपको बताना चाहूंगा प्रशांत जी, कि युवराज सिंह जो कि पिछले जो विश्व T20 कप में 21 गेंद पर उन्होंने सिर्फ 11 रन बनाए थे, बहुत बड़ा सवाल उनके बैटिंग को लेकर उठाए गए थे, चयनकर्ताओं पर काफी सवाल उठे थे, टीम के मैनेजमेंट पर काफी सवाल उठे थे, वही दबाव युवराज आज भी लेकर आईपीएल T20 खेल रहे हैं। साफ तौर से पता चलता है जब वो मैदान पर आते हैं, उनके जो बॉडी लैंग्वेज है उन्हें देखकर पता चलता है कि वो किस तरह क्रिकेट खेलने आए हैं, फ्री होकर नहीं खेल रहे हैं जिस तरह से पहले, आज अगर हम एक या दो साल पहले की बात करते हैं जिस तरह से वो खेलते हैं, फ्री होकर वो शॉट्स नहीं खेलते, नॉक्स नहीं लगाते हैं जो बड़े शॉट्स खेलने होते हैं। तो हाल ही में उन्होंने एक दो मैचेस ऐसे हैं जहां पर उन्होंने अच्छा बेहतरीन प्रदर्शन किया है, लेकिन युवराज सिंह के लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है कि आप ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्हें 14 करोड़ रुपए देकर माल्या ने खरीदा, आप एकमात्र ऐसे खिलाड़ी जो सबसे महंगे खरीदे गए, युवराज सिंह। जी बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन यहां पर एक बात की तारीफ करनी होगी परवेज, जो किंग्स इलेवन पंजाब है, क्योंकि उनके बॉलर्स जो गेंदबाज है बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस कर रहे हैं, जिसमें नाम जो शुमार है माइकल जॉनसन, जो कि एक बेहतरीन लय में नजर आ रहे हैं, बेहतरीन फॉर्म में नजर आ रहे हैं, लक्ष्मीपति बालाजी ये भी एक बेहतर लय में नजर आ रहे हैं, तिसाना परेरा जो श्रीलंकन बॉलर है वो भी बेहतर यहाँ पे, यानी यहाँ पर एक कलेक्टिवली एक टीम एफर्ट जरूर नजर आ रहा है कि गेंदबाज अपनी तरफ से एक बेहतर परफॉर्मेंस दे रहा है, बल्लेबाज अपनी तरफ से बेहतर परफॉर्मेंस दे रहा है, लेकिन ठीक विपरीत रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु में ये कहीं ना कहीं तालमेल बैठ नहीं पा रहा है। क्या कुछ रिवीजन होना चाहिए या क्या कुछ हुआ होगा रिवीजन आज के मैच को लेकर विराट कोहली एंड पूरी टीम के अंदर? देखिए, सबसे पहले तो आपको जो पिछले 4 मैच के स्टैट्स जो हैं वो निकालने होंगे, 4 मैच के स्टैट्स निकालकर आपको जो है कि जो बैटिंग है आपको जो है कि टॉप 10, टॉप 5 और इसके अनुसार जो है कि आप एक क्रम बनाए, उस क्रम के अनुसार जो लोअर ऑर्डर परफॉर्मेंस पर फिलहाल चल रहे हैं, क्योंकि आपने उन्हें 4 जो 4 मौके दिए हैं लेकिन उन्होंने जो कि अब तक अच्छा नहीं खेला है, तो आपके जो टीम में और जो 4 से 5 खिलाड़ी जो रिजर्व में बैठे हैं उन्हें मौका दीजिए, देखिए वो क्या कुछ कर पाते हैं, क्योंकि देखिए जरूरी नहीं होता है कि आपने जिसे खेलते हुए नहीं देखा है वो कुछ नहीं कर सकता। जी, लेकिन यहाँ पर जिस प्रकार से दुबई की जो पीच है, दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम की, कहीं ना कहीं उस पीच पे एक तरह से ये कहा जाता है कि एक ड्राई पीच है, सपोर्ट नहीं करती है, उतने हैवी स्कोर्स उस स्टेडियम पे नहीं हुए, क्या ये भी एकमात्र वजह हो सकती है कि कम स्कोरिंग और उसे भी डिफेंड करना, खास करके यदि अगर जिस प्रकार का हवामान होता है, जिस प्रकार का जो मौसम होता है, क्या मौसम भी, क्योंकि वहां पे ड्यूज बहुत गिरते हैं, क्या इसका सीधा सीधा फायदा जो फर्स्ट अटेम्प्ट करती है, प्लेइंग करती है, बैटिंग करती है टीम, उसको फायदा होता है या सेकेंड वर्जन में जो टीम खेलती है उसे फायदा होता है? देखिए, मैच में इंटरनेशनल ग्राउंड पे जब भी मैचेस होते हैं मौसम की एक बहुत बड़ी भूमिका होती है प्रशांत जी। एक उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगा, कल जो मैच हुआ था सनराइजर्स हैदराबाद और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच, जो मैच है कहीं ना कहीं जो चेन्नई सुपर किंग्स ने सेकेंड इनिंग्स में बैटिंग की उनके हाथ से ये मैच निकलता हुआ दिखाई दे रहा था, लेकिन जो ड्यू गिरने से जो बॉलर है उसके जो बॉलर के हाथ में ग्रिप जो बॉल का ग्रिप होता है वो नहीं आने से और बॉल जो टर्न जो बॉलर को मिलनी चाहिए, जो मदद पिच से मिलने चाहिए वो नहीं मिल रही थी, और इस बात को महेंद्र सिंह धोनी ने, शिखर धवन ने, दोनों ने ही माना कि ड्यू फैक्टर के कारण चेन्नई सुपर किंग्स को वो मदद मिली है, जिसके कारण सनराइजर हैदराबाद के बॉलर का जो प्रदर्शन है
कहीं ना थोड़ा सा गिर गया। लेकिन मिडिल ईस्ट की अगर जहां तक का बात की जाए, चाहे शारजा हो, चाहे अबूधाबी हो, चाहे फिर दुबई हो, एट द एंड ऑफ द डे यहां पर अमूमन जो मैच देखी जाती है, यहां पे ड्यू फैक्टर बहुत बड़ा कारगर साबित होता है यहां पर, क्योंकि यहां पे ड्यू गिरना है। और ऐसे में जिस प्रकार से टीम की एक अपनी एक स्ट्रैटेजी होती है, किस तरह से वो अपने खिलाड़ियों को फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ पोजिशन पर भेजते या उसमें तब्दीलियां करते ड्यू टू ड्यू फैक्टर, लेकिन ऐसे में क्या हाई स्कोर इस मैच में आपके दृष्टिकोण से देखा जा सकता है? क्या यहां पर एक बेहतर 170, 175 या 180 का स्कोर देखा जा सकता है? देखिए, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि अब तक जो दुबई में, जो यूएई में जो मैचेस खेले गए हैं, तीन ग्राउंड्स पर मैच खेले जाते हैं, अबूधाबी में खेला जाता है, शारजा में खेला जाता है, दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाता है। लेकिन प्रशांत जी, जिस तरह से हमने अभी बात की, जो आंकड़े बढ़ सकते हैं या नहीं, 170 पार कर सकते नहीं, किंग्स इलेवन पंजाब ने पहले मैच में जो उनका हुआ था चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ, वहां पर चेन्नई सुपर किंग्स ने 205 का रन बनाए थे और 206 का टारगेट पंजाब को दिया, जिसे पंजाब ने चेस किया और 6 विकेट से उस मैच को जीता। वहीं पर हम बात करते हैं पंजाब की, दोबारा पंजाब ने 193 रन बनाए, जिसे राजस्थान रॉयल्स चेस करते करते 191 रन पर समेट ले, जो 20 ओवर में सिर्फ 191 रन बना सका। तो एक उदाहरण है कि ऐसा नहीं है कि रन नहीं बनते, रन बनते हैं, लेकिन अगर आपकी जो स्ट्रैटेजी बनी हुई है, आपकी टीम की जो स्ट्रैटेजी बनी हुई है कि आप क्या करेंगे, किस तरह से जो है कि आप टीम को चलाएंगे, बिल्कुल अगर ड्यू फैक्टर आता है तो उसमें प्लेयर्स भी कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल, अगर ड्यू फैक्टर आता है तो बेशक एक हेल्दी स्कोर यहां पे नहीं देखा जा सकता, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे क्योंकि अब गेंदबाजी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को करनी है, तो मेरे ख्याल से सबसे बड़ी जिम्मेदारी यहां पर फ्रंट लाइन से अगर लीड करना है पूरे टीम को, तो वो फिर आ जाती है विराट कोहली के सर पर। ऐसे में अगर वो परफॉर्म नहीं कर पाते, इसका सीधा सीधा रिफ्लेक्शन पिछले दो मैचों में देखा है मिलना। लेकिन यहां पर जो ओपनिंग बैट्समैन है पार्थिव पटेल, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी, अगर एक बेहतर स्टार्ट अगर मिलती है तो फिनिश करने के लिए बेहतर लाइनअप जरूर है। यहां पर युवराज है, एबी डिविलियर्स है, एंड इट कैन बी एनीबडीज डे, कोई भी हीरो हो सकता है आज के दिन में। शायद अगर एबी डिविलियर्स बेहतर परफॉर्म करे या युवराज सिंह परफॉर्म करे, तो एक हेल्दी स्कोर देखने को क्या मिल सकता है हमें यहां पर प्रवे? देखिए, अगर आज के इस मैच की बात करते हैं तो जाहिर सी बात है, जो शनिवार को जो मैच हुआ था राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ, जहां पर टीम बुरी तरह से एक हिसाब से मैं आपको कहूंगा प्रताड़ित की गई थी, बिल्कुल बिल्कुल, आज के मैच में जो पूरी टीम है, मुझे पूरा भरोसा है कि पॉजिटिव नोट पर उतरेगी। जो प्लेयर्स हैं, पार्थिव पटेल हैं, योगेश टकावले हैं, विराट कोहली, एबी डिविलियर्स, युवराज सिंह, एलबी मॉकल, मिचेल स्टार्क, ये जो खिलाड़ी हैं, इनके पास अब भी वो क्षमता है कि ये एक अच्छा स्कोर, एक अच्छा टारगेट अपने ऑपोजिशन टीम को दे सके, और पूरा भरोसा है कि ये ऐसा आज करेंगे। बिल्कुल, यानी उम्मीद पे दुनिया कायम है, बेहतर लोग हैं टीम में, ऐसा नहीं है कि राजस्थान रॉयल्स की बहुत ही वीक टीम है, क्रिस गेल के बिना वो परफॉर्म नहीं कर पाएगी, ये सवाल जरूर है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जिनके नाम गिनाए, युवराज सिंह या एबी डिविलियर्स या विराट कोहली या फिर पार्थिव पटेल, ये सारे बेहतर खिलाड़ी है, लेकिन यहाँ जरूरत परवेज है बेहतर टाइमिंग की, बेहतर परफॉर्मेंस की। यहां पर एट द एंड ऑफ द डे आपको परफॉर्म करना, यदि अगर आपको टीम को आगे लेके जाना या मॉरल बढ़ाना है, ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी विराट कोहली के ऊपर आज। बिल्कुल, विराट कोहली के साथ साथ प्लेयर्स की भी बनती है कि आप जब मैदान पर आए बल्लेबाजी करने के लिए, आप अपना समय ले। हाँ, ये उतना, क्योंकि ये 20 ओवर फॉर्मेट का गेम है, उतना समय नहीं ले कि जो कि आप सारे बॉल्स डॉट कर लें और कम स्कोर बनाकर आप आउट हो जाए, लेकिन बहुत ही सूझबूझ के साथ, मैं आपको बताना चाहूँ प्रशांत जी, बहुत ही सूझबूझ के साथ खिलाड़ियों को खेलना होगा। बॉल देखिए, अब तक आपने जो कि 4 मैच खेल लिए हैं, आपको उतना तो तजुर्बा हो गया है कि दुबई के ग्राउंड किस तरह के हैं, क्या क्या आपको कहां टर्न होती है, कहां अगर ड्यू फैक्टर आता भी है तो किस तरह से आपको टैकल करना है, किस तरह से फेस करना है। तो ये जो है कि इतना चीज, जो 4 मैचेस होते हैं, ये काफी होते हैं कि आप किसी देश की जमीन को स्टडी कर लें, एटलीस्ट उसकी बेसिक चीज स्टडी कर लें और आप जो है कि उसको डिफेंड करके खेलें। बिल्कुल बिल्कुल, यहां पर एक बहुत बेहतर परफॉर्मेंस की उम्मीद रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से यहां पे लगाया है। लेकिन फिलहाल जिस प्रकार से आईपीएल सीजन का ये 18वां मैच है, काफी इंटरेस्टिंग मैच है, क्योंकि किंग्स इलेवन पंजाब जो लगातार 4 जीत हासिल कर चुकी है और अंक तालिका में 8 पॉइंट्स लेकर बिल्कुल मजबूती से अंक तालिका पर खड़ी है, लेकिन दूसरी तरफ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु 4 मैचों में से 2 मैच सिर्फ जीते हैं, यानी अंक तालिका में महज 4 पॉइंट है।
और जो पिछला मैच है जो हारा हुआ है वो महज 70 रन पूरी टीम जुड़ा पाई थी, लेकिन इस बार हौसले काफी बुलंद है, कमबैक करने की बेहतर कोशिश है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, क्योंकि बहुत ही जल्द यहां पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु जो है ये अपनी गेंदबाजी दिखाएगा। क्या कुछ गेंदबाजी में रॉयल चैलेंजर्स कमाल करते हैं या गेंदबाजी में कमाल करते हैं, इस मैच का क्या कुछ रिजल्ट होगा, कौन जीतेगा, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु या फिर किंग्स इलेवन पंजाब, आने वाली हर एक तस्वीर से आपको रूबरू करवाएंगे। लेकिन फिलहाल स्पोर्ट्स एडिशन में आज बस इतना ही, कल फिर इसी वक्त हाजिर होते हैं स्पोर्ट्स एडिशन लेके आपके सामने, हमें दे इजाजत।